अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग ये कोनियाल की नदी है, मांजरा की रिवेरी छे पर ये गांव कोनियाल है। इंशाल्लाह यहाँ पे पाम्पलेट बहुत ज़्यादा है, मैं पाम्पलेट का शिकार कर रहा हूँ। ये पाम्पलेट का सेटिंग है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये दो गल है, दो गल है, एक आगे एक पीछे बन लेना। और ये वेट है, ये ब्रेड लाइन पे खेल रहा हूँ मैं। ये पाम्पलेट का सेटिंग है पूरा, आप लोग देख सकते हैं। ये राड 6 इंच का है, 6 फीट का है राड। इंशाल्लाह देखेंगे आज पाम्पलेट का शिकार कैसा होता। ये एटवान से केंचुए, यहाँ पे केंचुए बहुत मुश्किल से मिले भाई। बहुत जने पाम्पलेट का चारा चारा पूछ रहे, ये केंचुए से अच्छा चारा कौन सा भी नहीं रहता पाम्पलेट को, तिलापिया फिश को। और यहाँ पे हमारे एहतेशाम खान साहब है, और ये हमारे सुजात भाई है, सुजात भाई है। और ये सिंगूर के मौल साहब है, वहाँ बैठे सो, सिंगूर डैम के मौली साहब है वो। शूट कर रहे सो एहतेशाम खान साहब है। खान साहब आज मारूफ का शिकार कर रहे, मंगूर बोलते, मंगूर बोलते या कुछ बोलते फिश का नाम, कैटफिश है इंग्लिश में। ये गोबर का केंचुआ है, बहुत चिगट रहता है। वो अटक गई सुजात भाई की सिंग, सिंग अटक गई। ऐसा लगा लेना दोस्तों आगे पीछे, इंशाल्लाह देखेंगे। पहला है इसको, इसको इसको फ्लूट नहीं रहता दोस्तों, फ्लूट नहीं रहता, ये डायरेक्ट पानी में डालने का रहता। फ्लूट डाले भी तो यहाँ फ्लूट नहीं रहता, पानी चल रहा है, ऐसे डालना झटका लगे में खींचना, अपना देख सकते, डायरेक्ट बताता हूँ। ये तंगूस आप लोगों को जो तंगूस दिख रहा है, ये झटका मारता, ये झटका मारते कि अपने को खींचना उठाने का रहता। देख सकते हैं अपना तंगूस को, देख सकते हैं झटका मार रहा, ये लगी। देख सकते हैं दोस्तों तकरीबन 1.25 किलो का साइज है, व्हाइट पाम्पलेट है। इसके पेट के नीचे लगी, पेट के नीचे लगी, मुंह में भी नहीं लगी, यहाँ दूसरी खा के लग जा रही थी, झटका इसको लग गया। मुश्किल है बहुत पाम्पलेट को निकालना गलों से। ये तकरीबन 1.25 किलो की है, पहली है दोस्तों, देखिए और कितना शिकार होता। चला दोस्तों दो लग गए, एक छोटी है एक बड़ी है, दो है आप देख सकते हैं। दो गलाओं को दो भी लगने का चांस रहता है, हल्लू हल्लू खींचते रहती, दूसरी मच्छी भी लग जाती। ये तो छोटी है, पहले बड़ी को निकालना है, छोटी को सड़ा। ये लाल है, हाइब्रिड है, ये बहुत बड़ी होती है मच्छी, इसमें तीन दो तीन किस्म के रहते। ये ज़रा ज़्यादा ये बड़ी होने की मच्छी रहती है। बैंड गेंद तिरोंडा हुआ कुछ भी नहीं रहता दोस्तों, पहले बता मैं आप लोग, हमारा तंगूस को देख सकते हैं, वो टाइट होता है, लूज होता रहता, वो एकदम ऐसा झटका अपने हाथ को लगता है यहाँ पे, वो दबा के खींचती, खींचे खोदी मारने का रहता। देखो देख सकते हैं आप लोग, खींच रही छोड़ रही फिर लूज कर डाली, ये लगी।
तीसरी मच्छी है दोस्तों। छोटे पापलेट ना बहुत ज़्यादा रहने की वजह से केंचवा खा ले रहे। कांटे बहुत डेंजर है। माशाल्लाह दोस्तों दो लगे फिर से। झटका जरा मच्छी खा के लगा रहे तो नहीं समझ में आ रहा, पानी चलने की वजह से पूरा राउंड फिर रहा पानी वहाँ पे। ये दो लगे, मजा आ रहा आज फिशिंग करने में। देख सकते हैं दोस्तों एक साइज की है, ये भी लाल पॉम्पलेट है। तो एक गल इधर साइड में लग गई, एक गल मुंह में लगी। निकालना बहुत मुश्किल रहता है, कांडे चुबाते रहती। दो लग रहे पर जरा साइज के लगे तो मस्त रहता। मच्छियां पकड़ने में तो खुशी खुशी मजा आ रहा आज। ये भी रख लो, छोड़ दो छोड़ दो रख लो, कोई है खाने वाला दे देंगे। पहले बहुत जने पूछ रहे मच्छियां। हाँ खाए तो जरा दुआ तो देता, ला के दो। हाँ दुआ मिलता, सवाब मिलता, जरा खिला दे। आज पूरों को खिलाने का है दोस्तों में पूरों को बांटने का है, इसलिए छोटे भी डाल ले रहा हूँ। बहुत दिनों की दोस्तों छड़ी तोड़ गई, इंशाल्लाह दूसरी छड़ी डालेंगे। छड़ी ला चला दोस्तों, दो है, दो भी साइज के है। जरा लांग डाले तो थोड़ा थोड़ा साइज हम बढ़ रहे। बहुत मच्छी है नीचे, इसके वजह से दो 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 लग जा रहे। गलों का पॉइंट बहुत बड़ा है। ये दो लगे, ये छड़ी बनने के बाद ये दो फर्स्ट मारा। माशाल्लाह दोस्तों ये 5 किलो की है,
बैल भी अच्छा लगी। अरे अरे गाले भी नहीं दे, गल पूरा लपटे की करता है। हड्डी में लगी, इसको नहीं कर रही। आज का पूरा शिकार है दोस्तों, ये आज का पूरा शिकार है। नीचे डालता हूँ अभी, अंदर बताओ। ये पूरा आज का शिकार है दोस्तों, यहाँ पे नीचे डाले तो मच्छी चली आती, बहुत उतार पे हम लोग। ये हमारे से एक 7-8-9 किलो तक रहते पूरे थैली में, पूरे साइज के पॉम्पलेट हैं और छोटे है। तो मूसा इधर लाओ, इधर लाओ, मुझे इधर बताओ। ये हमारे खान साहब मारे से है, ये भी अच्छा साइज के है माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोग। ये हम मारे से है, मैं पहले से शिकार करा, मोल साहब मेरा वीडियो शूट कर रहे थे इसलिए मोल साहब थोड़े कम मारे। देखिए इंशाल्लाह कल के शिकार में। अल्लाह हाफिज़।